हमको डालेंगे हम बिल्कुल बिल्कुल। हाँ पार्टी अच्छा है जी, हाँ पार्टी अच्छा है जबरदस्त। कुछ भी काम रोड़ा पेड़ा अच्छा जबरदस्त कर रहे काम आता था वैसे। हाँ MLA साहब जुल्फिकार साहब भी जिक्र करे, अभी पूरा पानी का फिल्टर बन जाएगा, कमेटी हॉल बनेगा तो अच्छा साफ सफाई हो जाएंगे। बोले बराबर हमारे असद अवैसी सदर साहब से हमारे उम्मीद है, बस और किसी से उम्मीद नहीं है हमारा। बिल्कुल विश्वास है, बिल्कुल है, बिल्कुल है, बिल्कुल। वो तो बहुत अच्छे काम करे हर तरफ से, मैं देखा मैं पारली पे दूधबड़ी पे मेरे के पूरा एरिया में देखा ये अच्छा बातचीत करे सोए सब कुछ करे सोए। आपको अपने आप को कामयाब करवाना है, ये वोट आप मजलिस को दे रहे हैं, ये वोट आप अपने आप को दे रहे हैं। आप ये सोचिए ये वोट आप अपने आप को दे रहे हैं, अपने बच्चों के मुस्तकबिल के बारे में सोचिए। अगर ये कानून लागू हो जाएंगे तो आपको नौकरियां यहाँ नहीं मिलेगी, बहुत से परेशानियाँ आपके ऊपर आएंगी, आपके हालात के ऊपर। इस बात को सोचिए कानून के लिए, इसके खिलाफ हमको वोट देना है, इन कानून के खिलाफ वोट देना है। आपको एक एक वोट अपने घरों से निकल कर डालना है, घर से निकल कर डालकर भारी अक्सर से मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन को कामयाब करवाना है। तेलंगाना में चौथे चरण में 13 मई को लोकसभा चुनाव के लिए वोट डाले जाएंगे। तेलंगाना के हैदराबाद संसदीय क्षेत्र की सीट बेहद ही चर्चित सीट बन गई है। तेलंगाना में कुल 17 लोकसभा सीट आते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चित सीट हैदराबाद की बन गई है। सिर्फ तेलंगाना ही नहीं भारत में भी इस सीट की चर्चा हो रही है। यहाँ पर AIMIM के राष्ट्रीय अध्यक्ष, भारत के लोकप्रिय नेता, हैदराबाद से AIMIM के प्रत्याशी असदुद्दीन अवैसी मैदान में है। अवैसी का सीधा मुकाबला भाजपा से है, लेकिन अवैसी हैदराबाद संसदीय क्षेत्र में जनता के बीच मजबूत उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं। असदुद्दीन अवैसी ने जिस प्रकार से विकास और प्रगति करवाई, जनता पूरा समर्थन दे रही है ओवैसी को, सभी वर्ग के लोग समर्थन दे रहे हैं। हैदराबाद में चुनाव से पहले ही हैदराबाद के सभी वर्ग के लोग असदुद्दीन अवैसी के सर पर जीत का सहरा सजाकर ऐतिहासिक जीत दिलाने के लिए मन बना लिए है। ऐसी स्थिति हैदराबाद में देखने को मिली, क्योंकि हैदराबाद की लोकप्रिय मक्का मस्जिद में असदुद्दीन अवैसी नामांकन पत्र दाखिल करने से पहले नमाज जुमा अदा करने के बाद बड़ी रैली की थी। इस रैली में भारी भीड़ उमड़ी थी। असदुद्दीन अवैसी पैदल चल रहे थे, कड़ी धूप थी, पसीना टपका रहे थे। सभी वर्ग के लोग अवैसी जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे और आशीर्वाद भी प्राप्त कर रहे थे, अभिवादन भी कर रहे थे। अवैसी भी बड़ा ही सम्मान देते हुए सभी का अभिवादन भी स्वीकार कर रहे थे। तो वहीं भाजपा के प्रत्याशी भी कल नामांकन पत्र दाखिल करने से पहले भाग्यलक्ष्मी मंदिर चार मीनार पर प्रवेश किए और पूजा अर्चना की, उसके बाद रैली की। भाजपा की इस रैली में बेहद ही कम लोग शामिल हुए और भाजपा की इस रैली में भाजपा के प्रत्याशी के साथ केंद्र मंत्री अनुराग ठाकुर भी उपस्थित थे। उसके बावजूद भी इस रैली में बेहद ही कम लोग शामिल हुए। इस रैली में एक जीप थी, इस जीप में ही लोग ठहरे नजर आए, बेहद ही कम लोग इस रैली में शामिल हुए। इससे ये पता चलता है कि AIMIM का संगठन हैदराबाद में बेहद ही मजबूत है। असदुद्दीन अवैसी ने जिस प्रकार से हैदराबाद संसदीय क्षेत्र में सभी वर्ग के लोगों के लिए कार्य किए है, उसका ही ये मुंहतोड़ जवाब भाजपा को दिया गया। कड़ी धूप थी, लेकिन भाजपा के प्रत्याशी के साथ लोग जमा ही नहीं हुए, सिर्फ नामांकन पत्र दाखिल करने के लिए एक ही जीप थी और चंद समर्थक थे। वहीं केंद्र मंत्री अनुराग ठाकुर असदुद्दीन अवैसी पर हमलावर थे, लेकिन यहाँ की जनता धैर्य रखी और जनता ने कहा ये पर्यटक है, घूमने आए हैं और घूम कर ये चले जाएंगे। लेकिन यहाँ पर मजबूत उपस्थिति असदुद्दीन अवैसी की हमेशा रही है और इस मर्तबा भी रहेंगी। एवं AIMIM के चारमीनार के विधायक जुल्फिकार अली चारमीनार निर्वाचन क्षेत्र के अधिकतर क्षेत्रों में सवेरे हो या शाम जनसंपर्क अभियान चला रहे हैं, घर घर जाकर जनता से असदुद्दीन अवैसी के लिए आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। यही कह रहे हैं विकास और प्रगति की गति को आगे बढ़ाने के लिए असदुद्दीन अवैसी को ऐतिहासिक जीत दिलाने के लिए वोट दे, क्योंकि अवैसी ने सभी वर्गों को पूछा है
और हमारा भी दायित्व बनता है असदुद्दीन अवैसी को ऐतिहासिक जीत दिलाए। यही सदन में जाएंगे और सभी वर्गों के मुद्दों को लोकसभा में उठाएंगे। इस क्षेत्र में ढोल नगारे बज रहे थे, लोग नाच रहे थे, असदुद्दीन अवैसी जिंदाबाद के नारे भी लगा रहे थे और विधायक का भव्य स्वागत भी कर रहे थे। इस क्षेत्र में ऐसा लग रहा था कि मानो कोई त्योहार है, हिंदू हो या मुसलमान, जीत से पहले ही असदुद्दीन अवैसी की जीत का जश्न बना रहे थे और यही कह रहे थे अब की बार भी असदुद्दीन अवैसी आएंगे। जनता यही कह रही थी चुनाव तो आया है लेकिन असदुद्दीन अवैसी के लिए हमारा उत्साह भी बेहद ही बड़ा है। असदुद्दीन अवैसी हमारा मान है, हमारी जान है, अवैसी को हम ऐतिहासिक जीत दिलाएंगे। विधायक जुल्फिकार अली बोले, असदुद्दीन अवैसी इतिहास रचेंगे, वैसी जीत होंगी। हमने असदुद्दीन अवैसी और अकबरुद्दीन अवैसी के चेहरे पर ही चुनाव लड़ा और हमें जीत मिली, क्योंकि असदुद्दीन अवैसी अकबरुद्दीन अवैसी की संकल्प शक्ति का ही कमाल है। हैदराबाद के हर गली गली में विकास हुआ है, चारों ओर विकास और प्रगति की गंगा प्रवाहमान है। इसके कारण ही आज हैदराबाद की जनता भाजपा को धूल चटाने के लिए पूरी तैयार है और खदेड़ने के लिए तैयार है। अवैसी को ऐतिहासिक जीत दिलाने के लिए कड़ी धूप में हर संभव प्रयास किया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत की तरक्की। इस्तेमाल कीजिए, पतंग के निशान का बटन दबाकर मैंने कामयाब की।